नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। कुशमैया अली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। दिनांक 8/5/2022 को पुणे के श्रमिक पत्रकार भवन में नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष कुमारी शवैया अली को राष्ट्रीय संघर्ष न्याय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। कुमारी सुमैया अली या पिछले कई सालों से गरजू गरीब महिला व पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर संघर्ष किया है। कुशमैया अली नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन के माध्यम से पिछले कई सालों में सामाजिक कार्य में सक्रिय है। अब तक इन्होंने एड्स, बढ़ती लोक संख्या, वृक्षारोपण, व्यवसाय मुक्त साफ सफाई अभियान, छोटे गरीब बच्चों को मुफ्त में पुस्तकों, कपड़ों व वाटर, मजदूर, बेवस्त, लाचार काम करने वाले पुरुष व महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उन्होंने गोर गरीबों को समय पर ब्लड डोनेट करके उनकी जान बचाने का भी काम किया है। उसी प्रकार से कोरोना महामारी के समय मरीजों को गैस उपलब्ध करवाने के लिए बहुत काम किया है। कई दुर्घटना घट जाने पर जख्मी लोगों की सहायता करके उनकी जान बचाई है। सर्वधर्म संभव के उद्देश्य से ईद मिलन, दिवाली मिलन, दशहरा मिलन, गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, पुलिस प्रशासन के सहकार कराना या करना, उसी प्रकार से अपनी नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन द्वारा किए गए बड़े सामाजिक कामों की दखल लेते हुए कुशमैया अली ने इन्हें पुरस्कार मान्यवरों इस समय प्रमुख पहुड़े डॉक्टर कुमार सप्तमी, फिरोज मुल्ला सर, संतोष आठवले व आदि मान्यवर उपस्थित थे। कुशमैया अली ने अकोला के नाम पर डंका पूरा शहर में गूंजने पर उनका सभी ने अभिनंदन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन संघर्ष नायक मीडिया व जन संघर्ष क्रांति मोर्चा इन्होंने किया था। इस कार्यक्रम में महिला व पुलिस सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। मुंबई महाराष्ट्र से इंडिया समाचार स्टेट चेक शेख हैदर की खास रिपोर्ट।